ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बेस्ट डीमैट अकाउंट आपके लिए कौन सा रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के दौरान आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन से फीचर्स आपको चाहिए होते हैं, कौन से फीचर्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट, कौन सा स्टॉक ब्रोकर इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट है आज की डेट में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज डीमैट अकाउंट की बात कर लीजिए, चाहे आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोल दीजिए, चाहे आप उसे ब्रोकरेज अकाउंट कह लीजिए, इंडिया के अंदर कौन सा स्टॉक ब्रोकर है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, आपको जो जो फीचर्स की ज़रूरत होती है वो फीचर्स आपको उस स्टॉक ब्रोकर के पास मिल जाएंगे, ये हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हो सकता है आप उन चीज़ों के चक्कर में आकर के कोई गलत ब्रोकर के पास चले जाएं, क्योंकि मार्केटिंग तो कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स की आज की डेट में ज़्यादा हो रही है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन गाइस आपको पहले ये जान लेना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको कौन से फीचर्स चाहिए होंगे और कौन से फीचर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से फीचर्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो गाइस सीधी सी बात है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हो सकता है आप गोल्ड भी लेना चाहें, आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के बारे में अभी नहीं सोच रहे होंगे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में आप अभी नहीं सोच रहे होंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पर एडवांस ऑर्डर टाइप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इसके अलावा और दूसरे तरीके की कई एडवांस ऑर्डर टाइप्स होते हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट्स की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको किसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको इन सब चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि गाइस जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक्स को डिलीवरी में खरीद करके लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। लंबा टाइम आपका कुछ 6 महीने का, साल भर का हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या हो सकता है आप लाइफ टाइम के लिए भी स्टॉक्स को खरीद करके होल्ड करना चाहें। तो इन सब चीज़ों की जो मैंने बताया, इनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है एक्चुअली। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ों की, किन फीचर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको जिन फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो है वो फीचर है डिलीवरी बाइंग का, जो जो ब्रोकरेज है डिलीवरी में जब आप स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसका जो ब्रोकरेज है वो सबसे कम होना चाहिए, या तो जीरो मिल जाए तो बेस्ट है, वरना सबसे कम ब्रोकरेज वहाँ पर डिलीवरी में लगना चाहिए। इंट्राडे और ऑप्शंस की अगर वहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में ही स्टॉक्स को खरीदते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको हो सकता है आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो बॉन्ड्स हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें से भी बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की ही ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक तीसरी चीज़, तीसरा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं वो आती है तीसरी, जो चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो है कस्टमर सर्विस, यानी कि उस डीमैट अकाउंट की, उस स्टॉक ब्रोकर की जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली तो अगर आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर वहाँ पर मिल जाए, यानी कि एक बंदा कोई ऐसा मिल जाए जिससे आप तुरंत बिना किसी वेटिंग के आप बात कर सकें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो आपको बिना किसी वेटिंग के दे सके, तो सबसे बेस्ट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो फीचर्स चाहिए होते हैं उनमें हो सकता है कि वो ब्रोकर जो है जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो ब्रोकर जितना पुराना पिछले टाइम से काम कर रहा होगा मार्केट के अंदर उतनी उसकी ब्रांड वैल्यू होती है, उतना ही वो ब्रोकर रिलायबल हो जाता है। तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक पुराना और एक रिलायबल ब्रोकर चाहिए होता है। इसके अलावा गाइस आपको चाहिए होता है कि जब आप फंड को वहां से विड्रॉ करेंगे तो फंड विड्रॉल के टाइम पे आपका वहां पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस ज्यादा नहीं कटने चाहिए। इसके अलावा आपका पैसा तुरंत आप जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, और साथ साथ फंड विड्रॉल के टाइम पर वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई अपर कैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और जब उस ज़्यादा अमाउंट के पैसे को आप विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर यह कंडीशन नहीं आ जाए कि भाई आप दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, 50,000 निकाल सकते हैं, 1,00,000 निकाल सकते हैं, इस तरीके की कोई कंडीशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आनी चाहिए।
इसके अलावा भी गाइस आपको कुछ फीचर्स की ज़रूरत होगी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको हर साल ITR भरनी होगी और आपको आपकी P&L स्टेटमेंट वहां पर देनी होगी। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान वो स्टॉक ब्रोकर चूज़ करना चाहिए जहां पर आपको जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, P&L रिपोर्ट्स है या प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएँ। इसके अलावा जिन फीचर्स की आपको ज़रूरत होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान, वो फीचर्स हैं अगर आपको उस ब्रोकर की फिजिकल ब्रांचेज मिल जाए तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो जाता है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए उस ब्रोकर के साथ जुड़े रहेंगे और आप मोटा अमाउंट में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपका कॉल नहीं उठाता है टाइम से, आपका संपर्क उससे नहीं हो पाता है, तो आप ब्रांच में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करवा सकें। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स की आपको जरूरत पड़ती है जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताऊं, इन सारे जो फीचर्स के बारे में हमने बात करी है, ये सारे फीचर एक्चुअली गाइज आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास मिलते हैं। अब लेकिन आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनके जो चार्जेस हैं, चाहे वो आपके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बारे में बात कर लीजिए, चाहे अकाउंट ओपनिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लीजिए, तो जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनके ये सारे तीनों तरीके के चार्जेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हालांकि आपको वहाँ पर ये फैसिलिटी सारी मिल जाती है, वहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है, ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, सारे फुल सर्विस पुराने भी हैं, काफ़ी टाइम से मार्केट में जमे हुए हैं, और तो आपको सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स होते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास मिल जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ऐसे केस में कोई ऐसा ब्रोकर मिल जाए जहाँ पर आपको एक्चुअली जहाँ पर आपके ब्रोकरेज चार्जेस भी कम हो, अकाउंट ओपनिंग फ्री हो, AMC कम हो, या आप उसे जीरो करवा सके थोड़ा बहुत पैसा दे करके, इस तरीके से अगर आपको ब्रोकरेज चार्जेस आपके कम मिल जाए और आपको फैसिलिटीज फुल सर्विस ब्रोकर वाली मिल जाए, तो वो डीमैट अकाउंट आपके लिए बेस्ट होगा। तो अब गाइस मैं बता देता हूं कि इस केस में आपके लिए जो डीमैट अकाउंट्स आपको कंसिडर नहीं करने हैं वो कौन से हैं। तो आपको अपस्टॉक्स में नहीं जाना है, आपको जीरोदा में नहीं जाना है, आपको ग्रो में नहीं जाना है, आपको पेटीएम मनी में नहीं जाना है। इसके अलावा जितने भी डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स हैं उनके साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ब्रोकर सजेस्ट कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लिए यहां पर जो सूटेबल ब्रोकर हो जाता है गाइस, वो है एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन। ये इसलिए है गाइस क्योंकि एंजल वन का जो फीचर्स है वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है, आपका डिलीवरी में जो ब्रोकरेज होता है वो जीरो होता है, आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीद सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्टॉक्स की टिप्स मिल जाती हैं, 1990 से भी पहले से ये जो स्टॉक ब्रोकर है कंट्री के अंदर काम कर रहा है और स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे वो फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर आपकी रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी जिससे आप आपका टैक्स भी ITR भी साल में जब फिल करते हैं तो वो प्रॉब्लम ही आपको यहां पर नहीं आने वाली है। इस तरीके से एंजल वन जो है एक ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस में फुल सर्विस ब्रोकर आपको मिल रहा है, तो एंजल ब्रोकिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ बैंक्स भी ऐसे हैं जो आपको बहुत ही कम चार्जेस में आपको फुल सर्विस ब्रोकर वाले फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन उनके कुछ प्लान्स रहते हैं, वो साल दो साल ही उनके प्लान्स चलते हैं। तो एक्चुअली जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो एंजल ब्रोकिंग है। इसके अलावा कुछ बैंक्स के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक और नया फुल सर्विस ब्रोकर है जो डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के चार्ज के साथ में आ रहा है, जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जाना है, आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है कि मुझे सारे फीचर्स मिल जाए फुल सर्विस ब्रोकर वाले और चार्जेस लगे डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर वाले। बड़ा हरामी हो। एक जो नाम मेरे दिमाग में आता है टॉप ब्रोकर्स में, इंडिया के जो टॉप ब्रोकर्स हैं उनमें से जो नाम आता है वो है एंजल ब्रोकिंग। बाकी मैंने जो तरीके बताए उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ में, ताकि वो भी अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट बना सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।